भिवानी में 8 जनवरी को होने वाले नगर परिषद चुनाव में भिवानी से सभी वार्डों में प्रत्याशी द्वारा प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। उम्मीदवार लोगों के बीच जाकर अलग अलग तरह से प्रचार कर रहे हैं और लोगों के सामने चुनाव जीतने के लिए अलग अलग तरह से वादे भी कर रहे हैं। भिवानी में सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। भिवानी में चुनाव के मद्देनज़र सरगर्मियाँ पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। कई वार्डों में मुकाबला रोचक दिखाई दे रहा है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि अगर वो जीतते हैं तो वार्ड की सभी गलियां पक्की की जाएंगी और बुज़ुर्गों को घर बैठे पेंशन दी जाएगी और शिक्षित वर्ग के लिए वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। मेरा नाम ज्योति कामरा है। मैं वार्ड नंबर 22 से चुनाव लड़ रही हूँ। मुझे 36 बिरादरियों का समर्थन मिला है। मैं पिछले 10 सालों से इस जनता की सेवा कर रही हूँ। अब आगे भी अगर मुझे जनता बनाएगी तो मैं सब सेवा करती रहूँगी। मेरा यही प्रयास रहेगा, जो भी काम रह चुके हैं मैं उनको पूरा करूँगी। यदि अगर मुझे जनता बनाती है, जिताती है अपना, तो मैं खुला दरबार लगाऊंगी। हर 15 दिन में लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगी। मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है गरीबों की भलाई करना, ताकि जो भी समस्याएं पब्लिक तक नहीं पहुँच पाती है, जो भी सुविधाएं पर सरकार दे रही है, मैं उनको हर आदमी तक पहुंचाना चाहती हूं। सिलाई का काम या पार्लर का कोई ना कोई ऐसी जगह देखकर मैं उन्हें खुलवाना चाहूंगी, ताकि मेरी बहनें कोई भी खाली ना रहे और उनको रोजगार मिलता रहे। सुरक्षा के लिए भी मैं सीसीटीवी कैमरे का दो वाली गली, 9 ग्रहों की गली, मोटा वाली गली, चिंदिया गली, चूड़ सिंह की बाजारी है, भीड़ी गली हमारी, मुरारी लाल की गली, मनान पाना भगन का कही, सोरे वाली गली, इन सबका मैंने बहुत अच्छे से डोर टू डोर, जो लेडीज थर्ड फ्लोर पे भी रहती है उनसे भी मैंने पर्सनली जाके खूब अच्छे से मिली हूँ, जिससे कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो उनको कोई आगे दिक्कत नहीं आए। और मैं जैसे कि जैसे महिलाएं हैं गरीब, उनके लिए सिलाई सेंटर भी खुलवाऊंगी और पूरे वार्ड को वाईफाई मुक्त करवाऊंगी। और जितनी भी महिलाएं हैं वो एनी टाइम जो है मेरे पास आ सकती हैं। उनको ये नहीं है कि दिक्कत की, कोई कहता है कि हमारे घर में 2 बड़े कुत्ते हैं, वो भी नहीं होंगे ना, है अभी तक नहीं है। जो वो गलत फहमी फैला रहे हैं वो भी गलती है। पहले तो नालियों की पाई है गली में कि किसी ने नाली ऊंची करवा ली तो जो पानी है उनके घर के आगे नहीं रुकेगा, दूसरे के घर के आगे रुकेगा। उनका समाधान ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं सबके, उनसे जो बीमारियां फैलती है वो भी ख़त्म करना चाहते हैं। और सड़कों की, स्ट्रीट लाइट की, और जो वाईफाई लगेंगे, सीसी कैमरे लगेंगे, मेन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए। जो गर्ल्स हैं आजकल की, नौजवान, उनको रात को जैसे दिन में भी निकलते हुए डर लगता है बच्चों को, कि हम नहीं जाते यहाँ से, अपने भिवानी में हम नहीं जाएंगे गली में से मम्मी, कि हमें डर लगता है। बनाने की जरूरत है लेडीज़ को, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं घर में रहती हैं, जेंट्स कहेंगे कि तू क्या करेगी जाके, हम चले जाएंगे। उनको ज़्यादा जरूरी है आजकल निकालना, क्योंकि महिलाओं का ज़माना है, जेंट्स रोज़ निकलते हैं, देखो अपने नुक्कड़ पार्टी भी करते हैं, सब जगह जाते, लेडीज़ कहाँ जाती, घर में ही रह जाती, चूल्हा चौका। पार्षद, मेरा चुनाव चिन्ह सीडी है। मैं पब्लिक से प्रार्थना करता हूँ, वार्डवासियों से प्रार्थना करता हूँ, पहले भी तुमने मेरे को मौका दे रखा था, मैं अब भी प्रार्थना करने आया हूँ। यदि मुझे मौका मिला तो मुझे कोई भी वार्ड में कच्ची गली नहीं रहने दूंगा और वार्ड को आदर्श बनाने की कोशिश करूँगा और वार्ड के अंदर वाईफाई लगाने का भी काम करूँगा। किसी भाई का पीला कार्ड नहीं है उनको भी बनवाने का काम करूँगा। जो मेरे अभी जो नया वार्ड जुड़ा है मेरे साथ, उसके अंदर काफ़ी कमियां हैं, सभी गलियां कच्ची पड़ी है, पानी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। यदि मुझे मौका दिया वार्डवासियों ने, नए वार्ड की जो जनता ने, तो मैं सभी गलियों को पक्का करने का काम करूंगा और घर घर पानी पहुंचाने और लाइट पहुंचाने का काम करूंगा। सुरक्षा के लिए आजकल डिजिटल का ज़माना है, पूरे वार्ड को मैं वाईफाई करने का भी काम करूँगा। मुझे 36 बिरादरी का समर्थन मिला हुआ है, पहले भी 36 बिरादरी का समर्थन था और आज भी मुझे 36 बिरादरी का समर्थन है। मैं हाथ जोड़ से वार्ड नंबर 23 के सभी वार्डवासियों से प्रार्थना करता हूं कि मुझे एक बार अवश्य मौका दें, ताकि मैं आप लोगों की तन मन धन से।
यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे जो खाली प्लाट पड़े हैं, इन प्लाटों में जैसे सूअर डांगर वगैरह ये फालतू जानवर मतलब बहुत गंदगी फैलाते हैं, आवारा पशु बहुत गंदगी फैलाते हैं। इसलिए हम जीते तो सबसे पहले तो हम ये प्लाटों की सफाई कराएंगे, इनमें मतलब इनके मालिक को बुला कर इनकी चारदीवारी कराएंगे। और सेक्टर में जैसे लाइट की समस्या है और रोडों की समस्या है, हर समस्या का समाधान कराएंगे। उनको 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, हर घर से हर उस दुकान से ये मोहल्ले से ये आवाज़ है भाई पियाल पप्पल ठाकुर को हम आगे लेना चाहते हैं। काफ़ी कमियाँ है जी वार्ड में, बहुत ज़्यादा कमियाँ है, रोडों की कमियाँ है, पानी की कमियाँ है, लाइट की हर चीज़ ही काफ़ी क्लीन सी। अभी तो जी किसी का सैम ही नहीं आया है, हम अपनी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, जो ज़्यादा मेहनत करेगा जो सही होगा लोग उसी। मेरी नहीं, यह सबकी जीत है और आप लोग देख रहे हैं, कल भी आपने देखा कितनी माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी कितना मान सम्मान मुझे मिल रहा है। मैं तो सदा सारी उम्र इनका भारी रहूंगा और भगवान पर विश्वास करता हूं। आज आप लोगों ने देखा सुबह सुबह मीडिया के अंदर अखबारों के अंदर इतनी घिनौनी हरकत सामने वाले दल ने की है, लेकिन फिर भी उसका जवाब हमारी ये मातृशक्ति नौजवान बुजुर्ग ये सभी आप देख रहे हो यहाँ पर उपस्थित है। और मैं तो यही कहता हूँ, आपने वार्ड की हालत देखी, जो आदमी 25 साल से दवा कर रहा है, मैं 25 साल से सेवा करता था, आपने देखा क्या हाल है। और मैं विश्वास देता हूँ जो 25 साल में उसने नहीं किया, मैं 5 महीनों में एक कार्य करूँगा। हम कोई जाति विशेष की बात नहीं करते, ये जितना भी प्यार ये आप देख रहे हैं मान सम्मान सभी 26 बिरादरी जो आपको 8 तारीख को जनता देगी। भिवानी से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए अमन शर्मा की रिपोर्ट।